तहसील लांजी के भुरसा डोंगरी में मनेरी चिकली और चिचोली तक 7 किलोमीटर निर्माणाधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ठेकेदार की मनमानी हावी है। निर्माण व डामरीकरण के नाम पर पतली परत चढ़ाकर खानापूर्ति कर दी है। इससे नवनिर्मित सड़क पर खाली पैर को रगड़ने से डामर की परत उखड़ने लगी है। ऐसा ही रोड का हाल रजे गाँव से लांजी और लांजी से आम गाँव रोड का भी है। ठेकेदारों के द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कर रोड बनाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि शासन का नियम यह है कि बारिश लगते ही 16 जून के बाद डामरीकरण कार्य कराने का नियम नहीं है, परंतु इन दोनों ठेकेदार के द्वारा 16 जुलाई तक रोडों में डामरीकरण बिछाने का कार्य किया गया। इस विषय पर लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृते ने बताया कि कस्तूरबा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा भुरसा डोंगरी मनेरी चिकली तथा चिचोली तक 7 किलोमीटर रोड जिसकी लागत 376.99 लाख से बनाई जा रही है, परंतु उस रोड का कार्य ठेकेदार के द्वारा घटिया तरीके से किया जा रहा है। जबकि शासन का यह नियम है कि 16 जून के बाद डामरीकरण नहीं किया जाता, उसके बावजूद भी नियमों को ताक में रखते हुए ठेकेदार के द्वारा 16 जुलाई तक डामरीकरण कार्य किया गया और 30 किलोमीटर की दूरी से पानी में भीगते हुए डामरीकरण प्लांट का डामर लाकर रोड पर बिछाया गया। डामर का स्तर भी निम्न स्तर का है, जिससे रोड उखड़ने लगी है। इसी प्रकार राजे गांव से आम गांव मार्ग पर भी 16 जून के बाद कुलपा कारंजा में डामरीकरण कार्य किया जा रहा है तथा ठेकेदार के द्वारा ठंडा डामर बिछाया जा रहा है, जबकि डामरीकरण करने का कार्य बारिश की वजह से 16 जून के बाद नहीं कर सकते। यह मामला बहुत ही गंभीर अनियमितता का है। इस पर कलेक्टर को गंभीरता में लेते हुए जांच कर प्रधानमंत्री के जीएम को और पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री को तत्कालीन निलंबित करना चाहिए और ठेकेदार के द्वारा कराए गए कार्य का भुगतान विलंब ना करते हुए रोक देना चाहिए। भुरसा डोंगरी से मनेरी प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोड है, इसमें भीगते हुए डामर हार्ट मिक्स प्लांट से लाया गया हिजली के पास से पूरा डामर जो ला के उसको रोड पर डालना है, उसका एकदम टेम्परेचर फिक्स होता है। तो हार्ट मिक्स प्लांट की दूरी वहाँ से करीब करीब 40 किलोमीटर है, इतना दूर में हार्ट मिक्स प्लांट होना नहीं चाहिए। ऊपर से वो भीगते हुए आ रहा रोड, तो ये बड़ी गंभीर मामला है। और जो डामरीकरण इस तरह कराया जाए, क्योंकि सरकार का नियम है 16 दिन के बाद आपको डामरीकरण कराना नहीं है, बरसात हो जाती है तो जो लोड होता है वो सब गीला होता है। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है, इसमें जीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसी तरह रजेगांव लांजी आमगांव रोड पे जो प्रधान मुख्य पीडब्ल्यूडी की सड़क है, उसमें ठेकेदार द्वारा 16 जून के बाद उसको डामरीकरण बंद कर देना चाहिए। सीसी रोड का उसको काम करना है बरसात में, लेकिन 16 जून के बाद वो लगातार डामरीकरण कर रहा है, जबकि शासन के निर्देश हैं, सिटी के निर्देश हैं कि अब करना नहीं। तो इस पूरे मामले में कलेक्टर वालाट को जांच कराना चाहिए कि 16 जून के बाद डामरीकरण कैसे हो रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, और इसमें जो गैर जिम्मेदार अधिकारी प्रधानमंत्री सड़क योजना के लोक निर्माण विभाग के, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और जो ठेकेदार ने जो डामरीकरण किया उसका भुगतान रोक के और उसको फिर से डामरीकरण करना चाहिए, क्योंकि वो सर इनके द्वारा कुछ जो डस्ट वाली गिट्टी डाली जा रही है उस पर रोलर भी नहीं चला जा रहा है और कुछ जगहों पे तो मिट्टी पे ही डामरीकरण किया जा रहा है। वही तो मेरा कहना, पूरे मामले की जांच होना चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।